अब आईआईटी वाला किसी को मालूम है कि कैसे बनवाए थे, भूलते जा रहा, सब चीज भूलते जा रहा। अब आप लोग नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं ना, तो नई टेक्नोलॉजिया में पुराना जितना काम किया गया है उसको भी उस पर डलवा दीजिए, ताकि बच्चे और बच्चियों को मालूम हो कि कब क्या बना, कौन सा स्कूल बना, कौन सा कॉलेज बना, कौन सा इंस्टीट्यूशन बना, ये सब चीज को लोग जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और पुराना जो बापू के बारे में, मौलाना आजाद साहब के बारे में जितनी बातें कही, उन सब चीजों को उसके माध्यम से। नमस्कार, इंफॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको, शिक्षा दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एसके मेमोरियल हॉल पहुंचे थे। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान एनआईटी आईआईटी इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया कि केंद्र सरकार ने हमारे कहने पर ये सभी चीज़ों को बनवाया था। जब श्रद्धेय अटल जी थे उस वक्त उन्होंने इस बात को कहा था, उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से आज नए ऐप का लॉन्च हुआ है तो उसमें इन सभी बातों को डलवा देना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में जो लोग हैं वो इस बात को जान सके कि वो कब बना, आईटी कब बना, एनआईटी पूरा कब बना, उसको लेकर नीतीश कुमार ने कहा है। साथ ही साथ बापू को लेकर जो है कई तरह की पुस्तकें लेकर नीतीश कुमार पहुंचे थे इसके मेमोरियल हॉल में, और जब छात्रों को संबोधित कर रहे थे उस वक्त उन्होंने उस किताब का जिक्र किया। और इतना ही नहीं, इन तमाम चीज़ों के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आज के समय में जो दिल्ली वाले लोग हैं वो सिर्फ अपना ही जो है सोशल मीडिया पर या अलग अलग जगहों पर डालता है, इसलिए बिहार के लोगों को भी जानना चाहिए और सभी लोग जानेंगे कि कब क्या बना है। आजकल तो जो लोग हैं, दिल्ली वाले लोग हैं, वो पहले से ही जो है सभी टेक्नोलॉजी पर जो है वो अपना हक जमाए हुए हैं, इस तरह की बातें नीतीश कुमार ने कही है। लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए साथ ही साथ शिक्षा विभाग को भी इस बात को कहा कि आप लोग इस चीज़ को जो है नेट पर डलवा दीजिए, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को ये जानकारी होते रहे कि कब क्या बना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा, जरा सुनिए इस बयान को। एनआईटी को बनवाइए किए थे हम, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो बहुत पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो उसमें तो हम केंद्र में मंत्री थे, सिर्फ अटल जी को भी हमने कहा था और सब लोगों का उस समय जो कुछ भी था, और उस समय जो हम मंत्री थे मुरली मनोहर जोशी जी, हम कभी भूल नहीं सकते हैं। माननीय मुरली मनोहर जोशी जी को भी हमने कहा कि अरे भाई हम वही न पढ़े हैं, उसको नहीं बनाइएगा, देश बाकी देश में बना था कई जगह, विशेष तौर पर उसके लिए अलग से कैबिनेट भी आया केंद्र, स्वर्गीय अटल जी ने भी इसको स्वीकार किया और एनआईटी भी बना था। तो हम लोग तो सब चीज कराते ही रहते हैं। अब आईआईटी वाला किसी को मालूम है कि कैसे बनवाए थे, भूलते जा रहा, सब चीज भूलते जा रहा। अब आप लोग नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं ना, तो नई टेक्नोलॉजिया में पुराना जितना काम किया गया है उसको भी उस पर डलवा दीजिए, ताकि बच्चे और बच्चियों को मालूम हो कि कब क्या बना, कौन सा स्कूल बना, कौन सा कॉलेज बना, कौन सा इंस्टीट्यूशन बना, ये सब चीज को लोग जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और पुराना जो बापू के बारे में, मौलाना आजाद साहब के बारे में जितनी बातें कही, उन सब चीजों को उसके माध्यम से भी, इनको तो पढ़वाना भी है लेकिन उसको भी नई टेक्नोलॉजी में डलवा दीजिए, नहीं तो आजकल दिल्ली में जो लोग हैं वो नई टेक्नोलॉजी पर अपना ही बात खाली रखवाना चाहते हैं। आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं रहा, तो आजादी की पुरानी चीजों को भूल जाएंगे क्या लोग? तो इसलिए अपने यहां बिहार में भी आजादी के बारे में सब चीजा भी उसी पर डलवाते रहिए, एक एक चीज को मालूम रहेगा, ताकि कोई भूलेगा नहीं, नहीं तो लोग जिनको आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। अब बापू की हत्या किसने किया, भूलिए भूलिएगा मत, तब इस सब चीज के बाद भी सब लोग कुछ से इधर नहीं कर सके और समाज के आपस में झगड़ा न लगाए, हिंदू मुस्लिम सबकी एकता, समाज के हर तबके की एकता होनी चाहिए, कोई किसी भी जात का हो,
सबको एक दूसरे के साथ मिलकर के चलना चाहिए, आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए, यही हम चाहते हैं। और इसी के लिए नई पीढ़ी के लोगों को हर चीज को समझना चाहिए, और सब अधिकारी लोगों को और नेता लोगों को तो हम यही कहेंगे, इसी के लिए पूरा लगे रहिए, और ताकि इन सब चीजों में कोई कमी नहीं आएगा, हम यही कहना चाहते हैं। और आज के अवसर पर आप सभी लोग उपस्थित